नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं हरीश असवाल और मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। आज हमारा चर्चा का विषय जो है बड़ा गहन और चिंता वाला विषय है। देश की राजनीति किस प्रकार से करवट बदल रही है, इसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। चिंता का विषय ये है कि क्या CBI ED जो स्वतंत्र प्रभार माने जाते हैं देश में, और किस तरह से ये पार्टियों के ऊपर अपना अंकुश लगाती हैं कुछ गलत होने के ऊपर, पर क्या जो जिस समय पर ये अंकुश लगा रहे हैं ये समय सही है या नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। काजोल, मैं आपसे पहले भी इसके बारे में चर्चा करी जिस प्रकार से कि जिस तरह से बड़े बड़े राजनेता आज जेल जा रहे हैं और जेल जाने के पीछे उनके ऊपर आरोप इस प्रकार से हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने इतने करोड़ रुपए का गबन किया और 10 प्रकार के इनके ऊपर आरोप हैं। क्या आरोप अचानक से 2-3 महीने पहले तय हुए, ये सोचने का विषय है कि आरोप क्या अचानक से तैयार हो गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने का विषय है क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं, गंभीर टॉपिक है, देश के भविष्य की बात है, देश की राजनीति की बात है, तो राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठ रहा है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो जेल भरो आंदोलन टाइप से भी चल रहा है राजनीति में, क्या ये सही है? देश में इतने सारे मुद्दे हैं लेकिन हम उन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है तो उसको लेकर एक आंदोलन छिड़ गया है, सड़कों पर लोग इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन हरीश जी, जेल से भी चुनाव लड़ा जा सकता है और हमारे देश में होता रहा। बिल्कुल, जेल से भी चुनाव लड़ा जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। और मैं इस पर पहले से हम लोग डिबेट भी करते हैं, हम जनता के बीच में भी जाते हैं और हर प्रकार से हम जब लोगों के बीच में जाकर देखते हैं कि कहीं पे इनका विरोध भी है तो कहीं समर्थन भी है, पर लोग, मैं आपको फिर बोलूँगा, लोग जिस मतलब जो मुद्दे होने ही नहीं चाहिए थे उन मुद्दों के ऊपर पार्टी डिसाइड कर देते हैं। हमारे आने वाला नेता कैसा हो वो डिसाइड कौन कर रहा है लास्ट के 6 महीने? हमारा नेता कैसा हो ये डिसाइड करना चाहिए था उसके 4.5 साल। अब 4.5 साल पर चर्चा नहीं हो रही है। आपने कितनी जगह आपने भी कर लिया, आपने डिबेट्स भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, किसी ने 4.5 साल के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे, वो रिपोर्ट कार्ड के ऊपर चर्चा नहीं हो रही। संजय सिंह को क्यों जेल भेज दिया, मनीष सिसोदिया को क्यों जेल भेज दिया, और एक आपके और नेता इनके सत्येंद्र जैन जी को क्यों जेल भेज दिया? हम तो कहते हैं जेल भेजो, बिल्कुल भेजना चाहिए, किसी भी अपराधी या भ्रष्टाचारी के लिए यह स्थान नहीं है, बिल्कुल भेजो। पर चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उसके ऊपर इलेक्शन बैन भी होना चाहिए ताकि आने वाले नेता को भी ये समझ में आए कि अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ पाऊंगा। सबक मिलना चाहिए। अब सबक तो मिल नहीं रहा है। ये जितने नेता हैं ये आपस में मतलब एक दूसरे को जेल भेजना या जो भी करना या इनके पर आरोप लेट से सिद्ध करवाना या जो भी करना, मैं तो बोलता हूं कुछ भी है, अभी जेल से इलेक्शन लड़ेंगे? आपने क्या कर दिया, इनको और मजबूत कर दिया। जेल जाना, मैं आपको फिर बताऊं, जेल जाना आम नागरिक के लिए शर्म का विषय हो सकता है, आपको, मेरे लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, हम लोगों को सामाजिक रूप से उसमें शर्म लगती है कि भाई फलाने का बच्चा, फलानी का ये पिताजी, फलाने का भाई जेल चला गया फलाना फलाना आरोप में, वो सामाजिक तौर पे उसका नेता तो और सुर्खियों में आ जाते हैं। और नेता का जेल जाना मतलब उसका तो गहना है, उसको आपने और मजबूत कर दिया और उसे बड़ा नेता बना दिया। आप उसको अंकुश लगा सकते हो, आप इस तरह का कुछ प्रावधान लाइए, जनता के सामने भी आए, पर डर किस बात का है कि आज ये प्रावधान हम ले आए, इस तरह का कोई कानून हमने बना दिया तो कल ये कानून हम पे ना ठोक दिया जाए, डर यहाँ है। डरा धमका के आप किसी को जेल भेज रहे हो वो भी गलत है, अगर वो आरोपी है या उस पर आरोप सिद्ध होता है तो सिद्ध टाइम पे करें ताकि भविष्य बचे देश का। और इस मामले में जो अभी ED जिस तरह से संजय सिंह कस्टडी में है और छानबीन की जा रही है, इसमें सबसे ज्यादा जो सोचने वाली बात है, देखिए भ्रष्टाचारी है तो आप इनको जेल में भर दीजिए, कोई इसमें कोई आवाज नहीं उठा रहा है। लेकिन आवाज तब उठती है जब एन मोमेंट पे, जब चुनाव आ जाते हैं तब जाकर वो
हलचल जो है वो भूकंप सा आ जाता है इस चीज का। जब मनीष सिसोदिया जेल गए, फरवरी में गए थे, इतने महीने हो गए, क्या तब आप उस तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए थे कि हाँ और भी लोग हो सकते हैं इस पार्टी के जो ऐसी चीजों में शामिल हो सकते हैं? समय बीत गया, अब आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि संजय सिंह मुखर हैं इस वजह से उन पर ये आरोप लग रहे हैं, लेकिन कुछ तो अंतर भी होगा। देखिए, संजय सिंह मुखर हैं, मैंने खुद उनका इंटरव्यू भी किया है और उनमें वो पहले से और अब के संजय सिंह में बदलाव भी देखा है। वो वाक्य में मुखर हैं और उनकी राजनीति में कोई शक भी नहीं है, पर उन्होंने आबेल मुझे मार भी कर दिया। वो बार बार ही उकसाने का जो काम कर रहे हैं, मेरे घर पे छापा मारो, मेरे घर पे आके दिखाओ। मैं ही उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक झोला लेके बैठे थे, इतने डॉक्यूमेंट्स कुछ थे, मुझे तो लगता था अब वो रद्दी थे। अगर आप पे इतना कुछ था जिस दिन आप बयान कर रहे थे, तो आपको वो झोला भी दिखाना चाहिए कि मैं इतने। अब आपका वो झोला कहाँ गया? आप देश को घुमाने की कोशिश ना करें, कोई भी नेता हो, संजय सिंह हो, कोई भी हो, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी हो, अब देश को घुमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। देश मुद्दों के ऊपर चलेगा, देश आपके रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड पे चलेगा। मुद्दे कहाँ हैं? वो मुद्दे तो दिखाई नहीं दे रहे। अरे, आपने 100 में से अगर आपने 70 अंक लाए हैं, आप मान लीजिए 4.5 साल में आपके 30 अंक की गुंजाइश है, 30 अंक के ऊपर बात होनी चाहिए थी। वो 30 अंकों के ऊपर बात ना होके 70 को भी एक किनारे रख दिया, 30 को भी एक किनारे रख दिया, बोलते कि नहीं नहीं अभी तो कुछ नहीं, अभी तो हम लड़ाई कर रहे हैं, कुछ और मुद्दा है, इस पे वोट दे देना हमें। अभी जो ये चीजें हो रही है, ईडी की छापेमारी तमाम जगहों पर हो रही है, और बहुत सारे नाम, ऐसा सूत्रों की जानकारी है कि बहुत सारे खुलासे अभी और हो सकते हैं, अगला नंबर बहुत बड़े बड़े चेहरों का हो सकता है, क्या ये मुद्दा है? अभी हमें बात करनी थी कि हमने रोजगार कितने दिए हैं, हमने महंगाई कितनी कम कर दी, हमने शैक्षिक संस्थान कितने खोल दिए बड़े, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ किया, यही लेकिन हम उस पर बात उस नहीं कर रहे। कोई बात नहीं हो रही है, हमें इन सब मुद्दों के ऊपर बात करनी। मैं जनता से अपील करूंगा कि आप जो भी ये 6 महीने में जो भी प्रकरण हो रहे हैं, इनको ऊपर ध्यान ना दें, और आप सिर्फ 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड देखें, कितनी नौकरियां मिली, कितने शिक्षा संस्थान खुले, कितने अस्पताल खुले, किस तरह की योजनाएं काम, सड़क सुरक्षा से लेकर, महिला सुरक्षा से लेकर, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितना काम हुआ। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी को ही वोट दीजिए, पर काम किया है तो वोट दीजिए, नहीं दिया है तो हटा दीजिए। मैं तो सिंपल, चाहे जहां पर कांग्रेस ने अगर काम नहीं किया किसी भी प्रदेश में, तुरंत हटा दीजिए। आपको हटाने का अधिकार आप ही का है, ये आपको लुभाने के लिए ही ये सब हो रहा है, आपका ध्यान भटकाने के लिए ही ये सब हो रहा है। तो आप अपने मुद्दों पर रहिए, इनको लड़ने दीजिए, दूर से मजा लीजिए और वोट उसी पे दीजिए। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी आप लिखते हैं, कुछ भी आप बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो दो तरीके से जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आज के टाइम पे क्या है, हम लोगों ने जो भी आज के युवा हैं जिस तरह की राजनीति देख रहे हैं, तो उन्हें ये एहसास हो गया है कि आप राजनीति में कुछ भी कर लीजिए, सब कुछ जायज़ है। अब देखिए, ऐसा है कि सोशल मीडिया का ज़माना है और हम भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही हैं और आगे भी हम लोग इसको करते रहेंगे प्रोग्राम को, बट सोशल मीडिया के लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि हर टाइम आप नेगेटिविटी की बात करेंगे। अब क्या होता है ना कि नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत तेज़ी से फैलती है, अच्छाई बहुत स्लो चलती है। आप सरकार की खूब बुराइयां करो, आपको लगता है कि सरकार की बुराई करने से आपकी आत्मा को शांति मिलगी, या आप जैसे कुछ 2-4 लाख 10 लाख, मैं बोलता 10 लाख लोगों को शांति मिलगी, इतने तो व्यूअरशिप है इन सब की, वो 10 लाख लोगों को शांति मिलगी, क्योंकि 1.40 करोड़ में से वो 10 लाख लोग आपको सुन रहे हैं, आपको सुन देख रहे हैं, ठीक है, तो वो समझते हैं। पर आप एक चीज और भूल रहे हैं, ये सब करते 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 आप ये भूल गए कि आप अपने देश को भी कहीं ना कहीं शर्मसार कर रहे हैं। आप पूरी दुनिया के आगे अपने देश को अपने कपड़े खोल के दिखा रहे हैं कि हम तो भैया, हमारी स्थिति तो बड़ी नग्न स्थिति है, हम तो अपने घर में अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, अपने कर्ता धर्ता को, सबको गाली देते हैं। कहाँ के संस्कार है? आप सरकार के साथ काम कर, अगर मैं बोलता कोई भी सरकार, किसी भी प्रदेश की सरकार, उनके पहले रिपोर्ट कार्ड पे बात करें। आप इस प्रकार से किसी को भी आलोचना करना शुरू कर देते हैं, क्या रोज आलोचना ही का वो है? आज हमारा देश G20 में, आप वहाँ पर भी तो बात कीजिए, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बात कीजिए, हमारे देश की जो छवि पूरे वर्ल्ड में हुई है उसके ऊपर भी तो बात कीजिए। मैं बोलता मत कीजिए नरेंद्र मोदी की बात, आप ये टीम वर्क है, आप टीम वर्क पे बात कीजिए ना। मैं बात करता हूँ गडकरी जी की बात कीजिए, और बतेरे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कीजिए,
चेंजेस तो आए हैं। आज सुरक्षा उत्तर प्रदेश में पहले कोई इंडस्ट्री आने को तैयार नहीं थी, आज इंडस्ट्रियां आ रही हैं और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, फिल्मस्तान बन रहा है यहाँ पर, फिल्म इंडस्ट्री बन रही है यहाँ पर, तो सोचिए कितना बड़ा चेंज आ रहा है। कहीं ना कहीं वो डर खत्म हुआ है। तो क्या हम उस चेंज को नहीं देख पा रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो उस चेंज को दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, अब मैं बोलता योगी आदित्यनाथ के ऊपर कई लोग अपना प्रश्न खड़ा करते हैं कि बड़े कठोर हैं, किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, ये नहीं करते। अगर शासक कठोर नहीं होगा ना तो चल नहीं सकता उत्तर प्रदेश। इस सबसे बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश और सबसे बिगड़ा हुआ प्रदेश था। बिल्कुल, आज जिस सबसे बिगड़े हुए प्रदेश को अगर आज लाइन पे लाए हैं तो योगी आदित्यनाथ लाए हैं, और उनको कठोर तो होना पड़ेगा। उनका मन भी करता होगा कि हंसे बोलें वो, पर स्थिति ये है कि इसको सुधारने के लिए घर के मुखिया को अगर कठोर नहीं होगा तो ना यहाँ रोजगार रहेगा, ना यहाँ सुरक्षा रहेगी, ना यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो उनको कठोरता दिखानी, हो सकता है उसमें कई लोगों को नुकसान हो रहा हो, क्योंकि कई लोगों का आजकल टिपिकल वर्ड है लाइजनिंग, उनकी लाइजनिंग पे फर्क पड़ रहा हो, ये सब हो रहा होगा और उन्हीं को फर्क पड़ रहा है, आम जनता को इससे फायदा हो रहा है, ये फायदा मिलता रहना चाहिए। सरकार आम जनता के लिए, लाइजनर्स के लिए नहीं है। अच्छा, एक और जो हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं और एक सवाल मेरे भी मन में है। सवाल ये है कि ये जो ED CBI जो कार्रवाई करती है, एक तरफ तो जब दूसरे राज्य जहाँ पर अपोजिशन होता है वहाँ पर अगर कुछ हो जाए तो आप कहते हैं कि हमें CBI पर भरोसा है, हमें ED पर भरोसा है, यही समझ। दूसरी तरफ जब आपके ऊपर गाज गिरती है तब आप कहते हैं कि ये तो झूठ बोल रही। आज भी यही हुआ है, आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि झूठे हैं, कुछ तो होगा ना ED के पास। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ तो मैं वहाँ की बात करूँ, वहाँ पर एक हत्याकांड के ऊपर CBI की जांच की जा रही है, CBI की मांग। हाँ, अंकिता हत्याकांड, उसमें बार बार बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि अंकिता हत्याकांड में CBI जांच हो। अब यही मैं आपको मध्य प्रदेश में चला जाऊँ, है ना, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि CBI बिकाऊ है। नेता तो तुम्हारे दो ही हैं, तीन हैं, आपके नेता कौन कौन है बताइए? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और आपके अध्यक्ष साहब, यही नेताओं के तो डिसाइड करते हैं कि क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो उत्तराखंड में आप बोलते हो CBI बिकाऊ है, आप मध्य प्रदेश में जाके या राजस्थान में जाके कहीं पे भी जहां आपकी सरकार है वहां पर आपको CBI ठीक लगती है। मतलब ये सोचिए कि आप किसी भी, आप अपने आप को कहीं पे भी चेंज कर रहे हैं, मतलब अपनी सुविधा अनुसार आप किसी भी पार्टी को, किसी भी डिपार्टमेंट को, आप केंद्रीय एजेंसियों को कहीं पे भी आप करप्ट बता देते हो, कहीं पे आप सही बता देते हो, कहीं पे आप डिमांड करने लगते हो, कभी आप कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां जो है वो सरकार, कहीं पे आप न्यायालय तक को गलत बोल देते हो और कहीं पे बोलते हैं न्यायालय पे हमें पूरा विश्वास है। तो ये जो सुविधा अनुसार राजनीति है ना, ये सुविधा अनुसार राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से YouTube चैनल्स पे या किसी पे भी शब्दों के ऊपर बैन है ना, नेताओं के ऊपर भी बैन होना चाहिए। और वो बैन ऐसा होना चाहिए कि जिससे सबक मिले। अब सबक वो जेल के अंदर से चुनाव लड़ रहे हैं, जीत अगर रहे हैं, आपने, बंपर वोटों आपने के साथ फलाने फलाने शब्द में इतने आपने इन शब्दों का प्रयोग किया, इन शब्दों का प्रयोग किया, आपने गाली गलौज की, आपकी भैया सांसद की वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो आदमी तमीज से बात करेगा। आप संसद में जाकर, मैं बोलता हूँ जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग अभी हुआ है, ये हमारे पूरे देश को शर्मसार करने वाली भाषा थी। तो इस तरह से कुछ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया, आपने महिला आरक्षण पे बात कर ली, आपने अपोज कर लिया, इधर से सपोर्ट कर दिया, फिर बाहर आके कंफ्यूज कर रहे हो। आप क्लियर कट या तो साइन मत कीजिए, सपोर्ट मत कीजिए और क्लियर कट बताइए कि क्यों क्या बदले की भावना से सब हो रहा है। बिल्कुल, बदले की भावना तो दिख ही रही है ना, सत्ता पे काबिज होने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। अगर कल, अब मैं इन दलों की बात बता दूं, INDIA के दलों की बात बता दूं और NDA की भी बात बता दूं, मैं दोनों की, ऐसा नहीं कि मैं किसी एक के पक्ष में। INDIA के दल क्या आज पहली बार हुए? पहले NPA नहीं था इस दल का नाम, या पहले इकट्ठे नहीं हुए ये लोग? क्यों नहीं बन पाए इनकी आपस में? क्योंकि लालसा इन लोगों की 20 सीट पर बैठने की थी कि भैया कौन रेल संभालेगा, कौन भेल संभालेगा, कौन क्या संभालेगा, मतलब मलाईदार पोस्ट किसके पास रहेंगी, लड़ाई मलाईदार पोस्टों की होती है,
कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा, कौन डिप्टी पीएम बनेगा, मतलब व्हाटएवर, इनके पास 50 पोस्ट निकल के आ जाती हैं। अभी तक तो हमने डिप्टी पीएम नहीं सुने थे, पर अब डिप्टी पीएम भी आप दो सुनेंगी आप आने वाले समय पे। अगर इंडिया अलायंस जीतता है तो डिप्टी पीएम भी दो होंगे। आप सोचिए, अभी तक तो डिप्टी सीएम दो हो रहे थे, अब डिप्टी पीएम भी दो होंगे अगर ऐसा हुआ तो। नहीं तो ये गठबंधन भी नहीं चलेगा। प्रमोद महाजन का एक बहुत बड़ा पुराना वो है जहाँ उन्होंने कहा था कि हम लोग वी आर द लार्जेस्ट पार्टी बट वी आर आउटसाइड, वी आर इन अपोजिशन। और जो सबसे कमजोर पार्टी है जिसके दो सांसद हैं वो गवर्नमेंट है। आप सोचिए समर्थन कौन कर रहा है, किसका कर रहा है, कौन सरकार बनाएगा और कौन उन सबको लेके आया है। तो जो मैं लेके आया हूं वो तो मैं हूंगा प्रधानमंत्री, और समर्थन किसने बाहर से करना है किसने, इनके आपस में लड़ाई हुई थी जिसमें इन्होंने राष्ट्रपति के वहां लेटर भी दिया था, आपस में धमकियां भी चली, पर कुल मिला के इन सब ने देश का नुकसान किया था उस टाइम पे भी। इस तरह के अलायंस भी बनते हैं, देश का नुकसान ही होता है। इसी तरह से NDA के भी मैं बात करूँ, इनको भी सोचना चाहिए कि इनके भी पुराने 40-40, 50-50 साल पुरानी पार्टियाँ, इनके अकाली दल इनको छोड़ के जा रहा है। आपको शिवसेना ने छोड़ दिया, आपने शिवसेना को तोड़ दिया, फिर NCP को तोड़ दिया, पर आप उसके वोटर को नहीं तोड़ पाए अभी तक। वोटर सभी भी वोटर आज भी ठाकरे के साथ हैं। तो अब मैं बोलता हूँ, अगर वोटर को नहीं तोड़ पाए, जब आप सिंधे को मुख्यमंत्री बना सकते थे तो क्या आप ठाकरे साहब को नहीं बना सकते थे मुख्यमंत्री? पर इसमें कहीं पे, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, इनकी अपनी रणनीति होगी, मगर मैं अपना एक विश्लेषण बता रहा हूँ कि इस प्रकार से देश का नुकसान कितने प्रकारों से हुआ। तो इस कई प्रकार हैं ऐसे, तो जनता को समझने की ज़रूरत है। जहाँ जनता अगर इस बात को समझ जाए कि मुझे वोट ये लास्ट के 6 महीनों के ऊपर नहीं देना है, 4.5 साल पर वोट देना है, और 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड, मेरे बहू बेटी माँ को क्या सुरक्षा मिली, मेरी रोजगार का क्या हुआ, मेरी महंगाई का क्या हुआ, इन सब के ऊपर क्या हुआ, तो शायद आप सही सरकार चुन पाएंगे। तो आपको सोचना है, समझना है कि ये जो भी कुछ अभी देश में चल रहा है, हो सकता है कि इंस्टेंट मुद्दे हो, लेकिन आपको तो वोट उन्हीं चीजों पर देना है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, जो आपके सुझाव हैं कि हम किन और टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं, वो भी ज़रूर कमेंट में शेयर करें। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप हमें फीडबैक दे रहे हैं। जी, तो आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, न्यूज़वर्ल्ड इंडिया ऐप एंड्रॉयड फ़ोन पे आपको मिलेगा, उसको आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।